नमस्कार, मैं हूं यांश दक्ष। अब वक्त हो चुका है इतिहास के पन्नों को पलटने का। यह साल था 1680 का। औरंगजेब को पता चला कि छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया है। वो दक्षिण जीतने की इच्छा लिए आगरा से औरंगाबाद पहुंच गया। औरंगजेब को निजामशाही खत्म करने में एक दिन और आदिलशाही को खत्म करने में दो दिन लगे, लेकिन सामना होना था 23 साल के नए छत्रपति संभाजी से। संभाजी थे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र। उनका जन्म 14 मई 1657 को पुणे में हुआ था। महज 2 साल की उम्र में मां सईबाई का निधन हो गया था। ऐसे में पालन पोषण दादी जीजाबाई ने किया। जब वो बड़े हुए तो शिवाजी महाराज ने उन्हें अच्छी शिक्षा पाने के लिए आमेर के राजा जयसिंह के यहाँ भेज दिया। संभाजी महाराज ने वहाँ घुड़सवारी, तीरंदाजी, 13 भाषाएं, तलवारबाजी की अच्छी शिक्षा हासिल की। सिर्फ 16 साल की उम्र में न सिर्फ पहला युद्ध लड़ा बल्कि उसमें विजयी भी रहे। इस समय औरंगजेब दुनिया का सबसे ताकतवर राजा था। वो विश्व के सबसे बड़े भूभाग पर राज कर रहा था। उसके पास विश्व की सबसे बड़ी 5 लाख की सेना थी। अगले 9 सालों में संभाजी ने पुर्तगालियों के खिलाफ 15 और मुगलों के खिलाफ 69 छोटे बड़े युद्ध जीते। 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद उन्हें राजगद्दी पर बैठाया गया। उन्होंने अपने 9 साल के शासनकाल में मुगलों और पुर्तगालियों से जमकर लोहा लिया और कोई भी युद्ध नहीं हारा। संभाजी के शासनकाल में मुगल मराठाओं के कट्टर दुश्मन थे। उनके खिलाफ संभाजी ने पहली बड़ी लड़ाई मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में लड़ी। तब बुरहानपुर व्यापार के लिहाज से एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। औरंगजेब यहीं से दक्षिण में अपने शासन के विस्तार की योजना बना रहा था। इसकी भनक संभाजी को लग गई, इसलिए उन्होंने पहले ही हमला कर इस पर कब्जा कर लिया। मुगलों के लिए ये बहुत बड़ा झटका था। इस तरह मराठा साम्राज्य की जो सीमा उनके पिता छोड़कर गए थे वो उससे कई गुना बढ़ाकर आगे तक ले गए। गुजरात से लेकर गोवा तक भगवा फहरा रहा था। साल 1689 में सगे साले की गद्दारी के चलते छत्रपति संभाजी पत्नी और बच्चे समेत बंधक बना लिए गए। उन्हें जोकर के कपड़े पहनाकर परेड कराते हुए मुगल खेमे में लाया गया। औरंगजेब ने जिंदा रहने के 2 रास्ते दिए। पहला, पूरा मराठा साम्राज्य मुगलों को सौंप दे या इस्लाम स्वीकार कर ले। बंधक बने संभाजी का जवाब था, अगर औरंगजेब अपनी बेटी की निगाह भी मुझसे करा दे तो भी इस्लाम स्वीकार नहीं करूंगा। इसके बाद शुरू हुआ टॉर्चर। पहले दिन उनकी आंखें फोड़ी गई, फिर उनकी जीभ काटी गई, फिर खाल भी उतारी गई। अंत में उनके टुकड़े करके कुत्तों को खिला दिया गया। इसके बाद मराठों को खत्म करने का सपना लिए औरंगजेब करीब 20 साल तक औरंगाबाद में पड़ा रहा। इसके बावजूद वो तो हिंदू पदपातशाही को खत्म नहीं कर पाया। हाँ, उसके मरने के 40 साल बाद पेशवाओं ने जरूर मुगल बादशाहों को पेंशन पर रखा और उनकी रक्षा करी। मराठों और अंग्रेजों में 1684 में जो समझौता हुआ था उसमें छत्रपति संभाजी महाराज ने एक शर्त रखी थी। वो ये कि अंग्रेजों को मेरे राज्य में गुलाम बनाने या ईसाई धर्म में दीक्षित करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर इतिहास के पन्नों को आगे भी पलटना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।